तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। हम आ गए हैं यहाँ पे आपके साथ के हमने हैश की ग्लोबल ऐप को वो जिसी के अंदर से ही कैसे है हमने जो है ना इसको डाउनलोड करना है और उसके बाद इस पर अकाउंट बनाना है और इस पर हमने KYC वगैरह कैसे करनी है। ये बिल्कुल बेहतरीन सा ईजी सा जो है ना ये सारा स्टेप है हम आपको यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड लिखा हुआ, यहाँ पर हमने ये डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। यहाँ से हम ये हमसे पूछ रहा है ये कि आपने आपका iOS बीटा है या कोई और है, आपने आपका मोबाइल मतलब एंड्रॉयड है या दूसरा है तो आपका मोबाइल जोन सा भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। वैसे ज़्यादातर मोस्टली जो है ना नॉर्मली वो एंड्रॉयड फ़ोन ही होते हैं, ये वाला एंड्रॉयड APK ठीक है ना, ये वाला एंड्रॉयड ठीक है। हम यहाँ पर इसको इस पर क्लिक कर देंगे, एंड्रॉयड वाले पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड एनीवे ठीक हो गया जिन वो डाउनलोड कर रहा है ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा इस पर हमने इन अकाउंट बनाना शुरू जी। तो नाज़रीन हमने थोड़ी देर वीडियो पास की थी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ये फाइल हमने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। हम जो है ना सारी वीडियोस को जो है ना वो रियल टाइम ही शो करते हैं ठीक है ना, हम इनको स्किप वगैरह नहीं करते और ताकि आपको जो है ना समझ आ जाए इस हवाले से हम सारा कुछ इसका सारे का सारा जो है ना प्रोसेस हम चलाते हैं इस वजह से ठीक हो गया। जनाब यहाँ से हम इसके आगे जी तो जनाब जी ये इसकी जो हैश की ग्लोबल का है हमने ऐप जो है ना डाउनलोड कर ली है उसके लिए ये साइन इन और साइन अप ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको दोबारा से साइन इन कर लेते हैं। अगर आपने इस पर अकाउंट नहीं बनाया तो अगर आपने वैसे ही दूसरे तरीके से आपने ऐप को जो है ना डाउनलोड कर लिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने वहाँ से पॉइंट्स लेके पॉइंट्स भी लिए हैं आपने और अगर आपने वहाँ से ऐप भी ले लिया ये तो आपने जो है ना पांचों घी वाली बात करती है ठीक है। अगर आपने प्ले स्टोर से वैसे ही टेस्ट डाउनलोड कर दिए तो आपको पॉइंट्स तो नहीं मिले आपने, लेकिन यहाँ पे आप आ गए हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हम इसको साइन इन कर लेते हैं। मैं अपना यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड वगैरह डाल दूँगा, वो वाला ईमेल और पासवर्ड डालें आप जो OGC टोकन जहाँ पर आप ले रहे हैं ठीक है। मेरा अपना ज़ुबैर के नाम से है, मैं अपना वही डाल देता हूँ और पासवर्ड भी मेरा जो है ना मेरे पास सेव है मैं वो ही डाल लेता हूँ। थोड़ी देर मैं इसको पास करूँगा ताकि मैं अपना पासवर्ड डाल लूँ, आप भी अपना जो है ना पासवर्ड यहाँ पे जी। तो जनाब मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लिया है, आपने भी डाल लिया, यहाँ पे आपने लॉगिन कर देना है। साइनअप का आपने आपको पहले बता दिया कि साइनअप आपने कैसे करना था, अब यहाँ पर आपने लॉगिन करना है ठीक हो गया जनाब जी। यहाँ पर अब जब साइन इन करते हैं लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आपसे थोड़ा सा वो एक कैप्चा वगैरह मांगता है, कैप्चा क्लियर का आप कर दें, उसके बाद फिर ईमेल आपको एक छोटा सा कोड आपको चला जाता है आपके ईमेल एड्रेस पे, वहाँ से आपने कोड कॉपी करके ठीक हो गया कॉपी करके आपने वहाँ पे बॉक्स में पेस्ट करके ओके कर देना है। आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर हमने अपनी KYC कम्प्लीट करनी है ठीक हो गया। यहाँ पर KYC के सारे जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर कम्प्लीट कर देंगे, उसके बाद ये हमारा एक्सचेंज जो है ना ये एक्यूरेट हो जाएगा। हम जो है ना आपको रियल टाइम दिखाते हैं, हकीकत में दिखाते हैं, बाकी जो जितने भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं बैठे होते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको देखने में अच्छा लगता है लेकिन वो आपको सुनने में और समझने में और कमाने में आपके लिए हेल्पफुल ज़रा सा भी नहीं होता। हम आपके लिए रियल टाइम काम करते हैं, बेशक हमारी वीडियो देखने के काबिल आपको ना अच्छी लग रही हो, इसमें कोई फीचर्स ना हो और कलर्स ना हो और आप ऐसा मतलब कोई शोशा आपको नहीं लग रहा, लेकिन हमारी बातें और हमारा जो काम है जो रियल टाइम है इसी तरह, क्योंकि हर यूज़र के सामने ऐसे ही इंटरफेस फेस होते हैं वहीं से उसने करना होता है और हम वहीं से आपको कर करके बताते हैं। दूसरे होते हैं वो बाकी बैकग्राउंड में खुद कर लेते हैं, जो मुश्किल काम होते हैं जो नहीं समझ सकते, दूसरों को समझाने के काबिल होते हैं लेकिन वो नहीं समझाते, वो बैकग्राउंड में खुद कर लेते हैं। हम जो है ना आपके साथ हैं और हम आपको एक स्टेप बाई स्टेप आपको साथ लेके चल रहे हैं ठीक है। हमने यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं, वो अब हमसे कह रहा है कि आपका ID प्रूफ होना चाहिए, लिविंगनेस वगैरह होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने जो है ना अपने ID और सारे ये प्रूफ आपने दे देने हैं, जो जो चीज़ें ये इसने मांगी हुई हैं एक तकरीबन ऐसे ही आपको ID कार्ड मांगे वो आपको अपलोड करना होगा, फ्रंट और बैक साइड करनी होगी, आपकी आपने सेल्फी लेनी होगी सारा जनाब। ये आपने जाना यहाँ पे सारे ये प्रूफ इसको दे देने हैं, उसके बाद आपने वेरीफाई कर लेनी है ठीक हो गया जनाब। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका काम ईजिली आपका काम होता जनाब। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं वेरीफाई नाउ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर की स्क्रीन सामने आ जाएगी,
उसके बाद आपका ईमेल जो है ना पूछा जाएगा। आपने अपना ईमेल यहाँ पे लिखना नहीं है, सेंड का बटन होगा साथ ही, ठीक है। सेंड के बटन पे आपने क्लिक कर देना है, आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। ईमेल वेरिफिकेशन का कोड होगा, मिसाल है वो आपने कोड कॉपी करके नीचे पेस्ट करके आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ये वाली स्क्रीन में आपसे कहेगा कि आपने पर्सनल वेरिफिकेशन करनी है हैश की, मतलब इसकी एक्सचेंज में 6 मिनट आपके पास तकरीबन होते हैं, 6 मिनट में आप अपनी वेरिफिकेशन ये आप करेंगे। उसके बाद फिर जो प्रोसेस होता है वो उसको आगे आपने जी, तो आपने यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जैसे ये नॉर्मली आपको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। हम मतलब कोड आपको सेंड किया जाएगा, आपने कोड बोल यहाँ पे लगा देना है। हम यूनाइटेड स्टेट्स के नहीं हैं, ठीक हो गया जनाब। यहाँ पे हमने दूसरे अदर पे क्लिक कर दिया, तो उसके बाद वो कह रहा है कि आपने आईडी डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करें, सेल्फी सेंड करें। तो अब यहाँ पे हमने अपने आईडी कार्ड और जो सेल्फी वगैरह है वो हमने उसको सेंड कर देनी है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा जी। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड आपने अपलोड कर देनी है, फिर उसके बाद नीचे ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट करेगा, सेल्फी खुल जाएगी। सेल्फी के लिए अब हमने वही शक्ल सामने करनी है, थोड़ी सी आँखें ऊपर नीचे करनी है, आपने बंद करनी है, थोड़ा सा शो कराना है कि आप जिंदा हैं। ये नहीं कि आपने जो है ना चुप करके खड़े रहना है, ठीक हो गया जनाब। आपने शो कराना है कि आप जिंदा हैं, ठीक है। ये मेरी पर्सनल डिटेल है, ठीक हो गया जनाब। इसको जो है ना आपने यहाँ पे डाटा और मज़ीद अपना फिल कर लेना है। इसके बाद जो है ना जो एक 1/4 स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं बताता हूँ, ठीक हो गया जनाब। ये तो जनाब जी यहाँ पे ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। आपने मतलब वो पिछले स्टेप में आपने सारे अपना आईडी कार्ड और फ्रंट साइड और बैक साइड आपने अपलोड करनी है, सेल्फ़ी करनी है। जब सेल्फ़ी आप लेंगे उसके बाद आपका वो जो मैंने आपको पिछली तो ये पीछे दिखाया है 1/4 था, अब ये 2/4 है। वहाँ पे आपने उसमें कोई चीज़ आपने देख लेनी है, कोई चीज़ गलत तो नहीं है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके आईडी कार्ड से वो डाटा पिक कर लेता है, वो उठा लेता है। उसमें कोई चीज़ अगर गलत है तो आप उसको दुरुस्त कर लें, अगर वो ठीक है तो उसके बाद आपने उसको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वो कहते हैं कंट्री रीजन और परमानेंट रेजिडेंस, आप जिस इलाके के हैं आप वो अपना सेलेक्ट कर लें। मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। और अभी मेरे थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम है, मैं इसको थोड़ा सा नेट में चेंज कर लूँ, फिर आपको मैं यहीं से शुरू करता हूँ, टेंशन नहीं जी। तो जनाब यहाँ पे मेरा नेट का इशू था, वो ठीक हो गया। यहाँ पर हम कंट्री रीजन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, हमारा पाकिस्तान है, आपको जो भी है वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने इसका प्रूफ देना है, वो कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट दें या वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दें या कोई अदर दे दें जिसे साबित हो कि आप इस इलाके के ही रहायशी हैं। एक तो आईडी कार्ड हमने दे दिया, कंफर्म हो चुका। उसके बाद इन्हें जो है ना हमारी दूसरी जो है ना किसी चीज़ की हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो चीज़ मांग रहे हैं। यहाँ पे आप अपना जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वो ना अपलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आजकल यार कोई मुश्किल नहीं है, अब 2 नंबर काम हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी। बिल को स्कैन करके अगर आपके अब्बू के नाम पे किसी के नाम पे आप उसको वहाँ पे एडिट करके अपना नाम लिख लें, ऐसा ऐसा बात कर रहा हूँ, किसी और को नहीं बताना, ठीक हो गया। यहाँ पे आपका ये स्टेप आपका हो गया कम्प्लीट। पे मैंने जो है ना अपना बैंक स्टेटमेंट की कोई फ़ोटो लेके मैंने आप सेंड कर दिया। आप आसान तरीका है इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे मैंने आपको बताया, बस ठीक है ना। आगे मज़ीद कोई और सुन ले, मैं आपको वो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आपने फिर इसको आगे चला देना है सर्कल को, क्या कहता है और क्या क्या चीज़ें मांगता है। ये दोबारा ये हमसे हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये सारी कुछ चीज़ें पूछेगा, भाई मैं तो आपके सामने कुछ शेयर ही नहीं करूँगा, फाइनेंशियल ये मेरा सीक्रेट है और मेरा ऑफिशियल है और सारा कुछ है, मैं इसको अकेले में फिल करता हूँ, आपने अपने हिसाब से फिल कर लेना है इसको। यहाँ पे आपने अपने उसको प्रोफेशनल जो आपकी सॉरी आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप यहाँ पे आपने यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे इस खाली एरिया में आपने अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देने हैं। उसके बाद जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसको ये कन्फर्म नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना हमने इसको बैक कर देना है और यहाँ पर फिर अपना काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट करेंगे बाद में, ठीक हो गया।